हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई नेक का ब्लाउज कटिंग करना और उसको सिलना बताऊंगी। ये मेरा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मेरी नेट है। मैं इसे हाई नेक बनाऊंगी और ये मेरा कपड़ा है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पे बताती हूँ कि किस हिसाब से ब्लाउज काटते हैं। ये मेरा पेपर है, इसमें हम फ्रंट लेंगे यहाँ से आगे से बंद और बैक लेंगे हम इसे खुला। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेते हैं। लेंथ हम लेंगे इसकी 15 इंच। 15 इंच इसलिए क्योंकि 14 इंच हमारा टोटल ब्लाउज रेडी हो जाएगा। हाफ इंच यहाँ से जाएगा सिलाई में और हाफ इंच ऊपर से, तो ये 14 इंच कंप्लीट हो जाएगा। मार्जिन लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे इसके तीरा, ये मैं ले रही हूँ 7 इंच। यहाँ से 7 इंच, यहाँ से 1/2 इंच यहाँ पे थोड़ा तिरछा लेंगे, इसका हाफ करेंगे, यह आ जाएगा 3/4 इंच। 1/2 इंच अंदर की साइड जाएंगे, यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे इसकी अगली गुलाई कर देंगे ऐसे। ये तो हो गई हमारी कटिंग, हमने ये विद मार्जिन ले लिया। तो हम क्या करेंगे, 2.5 इंच लेंगे हम गले की चौड़ाई, और 2.5 इंच गले लेंगे गले की लंबाई। ऐसे, और ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा ये। और यहाँ से हम गले की गोलाई कर देंगे, ये हो गया। अब हमें जितना भी गला अपना रखना है 6 इंच 7 इंच जितना भी ऊपर से लेंगे हम उतना 7 इंच, ये ले लिया 7 इंच। और जहाँ मान ये हमने हाफ किया था यहाँ पे, इसको यहाँ पे मिला देंगे ऐसे गुलाई करते हुए ऐसे। और हम इसको कट कर देंगे। सबसे पहले हम यहां पे कट करेंगे, हमने तिरछा लिया था यहाँ से, ऐसे तिरछा कट कर देंगे थोड़ा सा। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट की कटिंग हमने इसी में कर दी है ऐसे। अब हम जो हमने ये निशान लगाया है, अब हम यहां से कटिंग करेंगे ऐसे। ये हो गई हमारी कटिंग। ऐसे आएगा हमारे ऊपर।
अब हम सबसे पहले इसे कट करेंगे। ये हमारा कपड़ा है, सबसे पहले हम इसे कट करेंगे यहाँ से। ऐसे रख लेंगे हम इसे और इसको इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे। ऊपर रख देंगे हम इसको ऐसे और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऐसे रख के और हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहो तो इसमें पिन भी लगा सकते हो, अगर आपसे ऐसे नहीं होती है तो कटिंग आप इसे सेट करके कटिंग कर सकते हो। हमने इसकी कटिंग, ये हमारी ये हो गया, ये हमारी कटिंग हो गई। और हमारा जो ये पर्दा है उस वो हम नेट में से कट कर देंगे, ये हमारी नेट, ये हमारी नेट है। हम इसे ऐसे रखेंगे हम इसे ऐसे रखेंगे। और हम जितना ये हमारा है उतना नहीं लेंगे, हम इससे एक्स्ट्रा इसे लेंगे क्योंकि इसमें हमें गैदर्स डालनी है। तो हमने ऐसे इसे यहाँ पे रखा और हमने ये 8 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब जितना ये हमारा गला है ये हम उस हिसाब से इसको कट कर देंगे ऐसे। ऐसे इसको रख के और हमें इसे एक्स्ट्रा लेना है। हमने इसमें 8 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, आठ इंच एक्स्ट्रा लेके और हमें हम इसे इसी हिसाब से इसी गोलाई में इसको काट देंगे। इस हिसाब ऐसे ही देखो ये मैंने काट दिए। अब इसी हिसाब से हम इसके इसको काटते हैं, ऊपर से नेक काट देंगे जो हमारा ये है, यहां से ऐसे। ये कट गया, ये देखिए ये हमारा कट के ऐसा बन गया है।
ऐसे। अब इसमें यहाँ गैदर्स डलेंगी और यहाँ पे गैदर्स डलेंगी, फिर इसमें कॉलर लगेगी। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मोटी सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी ऐसे। अब हम नीचे लगाएंगे ऐसे। नीचे हमें पूरे का नहीं लगानी है, नीचे हमें जो हमारा ये है इसमें हम देख लेंगे कि ये कहाँ पे आएगा ऐसे, इस हिसाब से ऐसे। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर से थोड़ा छोड़ के ऐसे, और हम पूरे में वो लगा कर देंगे ऐसे। पूरे में हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, जितना हमने यहाँ से छोड़ा था ऊपर से उतना ही हम इधर की साइड से छोड़ देंगे। कंप्लीट ऊपर नहीं देख के जाना हमने, यहाँ पे हमने छोड़ा है 3.5 इंच और यहाँ पे भी हम 3.5 इंच छोड़ देंगे, 3.5 यहाँ पे इतना। बस अब हम इसे ऐसे सेट कर लेंगे ऐसे दोनों साइड से, ऊपर से भी और नीचे से भी। ऐसे इस हिसाब से हम इसको इससे नाप लेंगे, इसके इक्वल आनी चाहिए हमारी जो हमने अपनी ड्राफ्टिंग कट करी थी उससे। हम इसको ऐसे नाप लेंगे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये हमारी ड्राफ्टिंग के इक्वल है, ये देखिए ऐसे। अब हम इसे ऐसे ही अपने कपड़े पे सिल देंगे। ये हमारा इनर है, ये सबसे पहले हम इनर को रखेंगे यहाँ पे। हम ऐसे निशान लगा लेते हैं ऐसे इक्वल यहाँ पे, ऐसे सबसे पहले में हम इसको अपने इनर पे सेट कर लेंगे। यहाँ से ऐसे जो हमने निशान लगाया उसको ऐसे, और यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगाएंगे इसको ऐसे। इस हिसाब से हम इसको पूरे को इस पे सेट कर देंगे।
इस हिसाब से ये मैंने अपना सेट कर दिया है। ये रहा, ये देखो ऐसे। ऐसे सेट कर दिया ये मैंने इनर है। अब मैं इसका ऊपर अपना अपर रख के और इस पर सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने सेट कर दिया है और ये मेरा ब्लाउज का मेन पीस है। अब मैं इसको इसके ऊपर ऐसे ही रख के ऐसे ऐसे इसको रख के इसके ऊपर और मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँ ऐसे। ये देखिए मैंने इसको सिलाई लगा दी है। ये हमारा ऐसे पीछे चला जाएगा और देखिए ऐसे हो जाएगा ये ऐसे। ये हमारा फ्रंट साइड है, ऐसे आ जाएगा ये। आप इस पर चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, मेरे पास लेस है, मैं इस पर लेस लगाऊंगी। ये रही मेरी लेस, यहाँ ऐसे हम इस पर लेस लगा सकते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे रख के। देखो ये यहाँ से भी नहीं दिख रहे हैं इसके धागे, मैजिक सीम हो गई है ये। हम इस पर यहाँ पे लेस लगा देंगे। देखिए मैं लेस लगा दी है, एक सिलाई और आ जाएगी इसमें नीचे, बहुत सुंदर लगेगा ये देख। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे ऐसे और इसको अंदर लेके ऐसे करके और हम एक यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा देंगे यहाँ पे ऐसे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अब हम इसको सीधा कर देंगे यहाँ से ऐसे, इसको बाहर निकाल के ये सीधा हो जाएगा। ये हो गया सीधा, ये हो गया सीधा ऐसे। अब आप चाहो तो इसमें एक इस एक्स्ट्रा कपड़े को इस पे अस्तर पे लेके और यहाँ भी एक सिलाई लगा सकते हो इस हिसाब से ऐसे। ऐसे आप एक सिलाई इसमें पूरे में लगा सकते हो इससे कि वे अच्छे से सेट हो जाए ऐसे। मैंने अपनी सिलाई लगा दी है देखिए ऐसे, वे हमारा ऐसे हो गया ऐसे। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, इसे ऐसे इक्वल करो यहाँ पे ऐसे ऐसे इक्वल करके इसको ऊपर से लेंगे हम 10.5। ये हमारी 10.5 है, साइड में से लेंगे हम 4 इंच 4, ये 10.5 और यहाँ पे भी 4 इंच और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे। इस हिसाब से इधर की साइड भी 4 इंच यहाँ से, 10.5 ऊपर से, 4 इंच यहाँ से ऐसे ऐसे। ये हमारी 2 प्लेट्स हो जाती हैं मेरी। अब हम इनको प्लेट्स को डाल देंगे ऐसे ये मैंने प्लेट्स डाल ली हैं अपनी। देखिए ये दोनों, एक ये
और ये के दोनों प्लेट्स डाल दी हैं। ये मेरा फ्रंट रेडी है। ये मैंने इस पे कॉलर सेट कर दिया। ये अब मैं इस पे अपनी लेस लगाऊंगी। ये मेरे पास लेस बची हुई है, इसको मैं अपनी कॉलर पे लगा देती हूँ ऐसे। मैं इसे इस पे सेट कर दूंगी कॉलर पे। यहाँ से ऐसे मैं इसको लगाती हूँ। इसके मैंने लेस लगा ली है इस पे। इसको खोल कर लेंगे यहाँ से। ऐसे और यहाँ से भी ऐसे। ये हमारी कॉलर रेडी है। ये देखिए कॉलर। अब हम इसको लगाते हैं अपने ब्लाउज में। कॉलर को हम उल्टा साइड रखेंगे ऐसे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है, इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको सेट करते हुए पूरी में सिलाई लगा देंगे ऐसे। जो हमारा नेक है इसमें गैदर्स हैं, इनको हम सेट कर देंगे अपने पूरे गले पर और हम इसमें पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस हिसाब से हम अपना पूरा गला सेट कर लेंगे इससे। ये गैदर्स हमारी पूरे गले में इक्वल इक्वल आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम हो जाए, ये बराबर बराबर आनी चाहिए। फोर्टीन इंच की कॉलर है हमारी। पूरा गला ऐसे ही हम सेट कर देंगे इसको। देखिए मेरा ब्लाउज सिल के रेडी है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाई नेक देखना इसकी कितनी सुंदर लग रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।